प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा राम मंदिर पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि आज के समय में लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ है, जनता ही जज है और ईश्वर का एक रूप है, वह तय करती है कि किसकी आवाज रखनी है और किसकी आवाज बंद करनी है, जिसका जवाब धीरे धीरे जनता देती है। इन्हीं लोगों ने राम मंदिर के बनने के समय लोगों पर गोलियां चलवाई थी, लोगों के सहयोग से सरकार चल रही थी, आज राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर एक आस्था का केंद्र है, यह लोगों को बयान दे रहे हैं। इन लोगों को अपने धर्म को स्थापित करना चाहिए, यह लोग धर्मी नहीं बल्कि अधर्मी हैं। राम मंदिर पाकिस्तान, कश्मीर, हिंदू, मुसलमान, पैवा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ, बताओ आपको क्या चाहिए भाई? आप तो बचपन से ना देख रहे इडियट्स, क्या होने वाला है, कुछ फर्क पड़ने वाला है? बना दिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा, आज के दिन में लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता ही जज है, ईश्वर का एक रूप है और वो तय करती है किसकी आवाज रखनी है, किसकी आवाज बंद कर देनी है और उसका जवाब धीरे धीरे। इन्हीं लोगों ने राम मंदिर को बनाने के समय उस समय गोलियां चलवाई थी, लोगों के सहयोग से उस समय उनकी सरकारें चल रही थी, आज राम मंदिर बन रहा है। मंदिर एक आस्था का केंद्र है लोगों के, हर एक धर्म, ये लोग बयान देने वाले अपने धर्म को पहले स्थापित करना चाहिए कि मैं इस धर्म में नहीं, इस धर्म में हूँ और इस धर्म का पालन करता हूँ, या हम धर्मी नहीं हैं अधर्मी हैं, यह तय कर लें तब कोई आवाज़ निकाल लें।